जय हिंद, वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। तो अब हम हिमाचल प्रदेश जेल बोर्डन के एग्ज़ाम का रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जीके और मैथ साइंस के सॉल्यूशन को मैंने ऑलरेडी अपलोड करवा दिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से था। गोल्ड का कोड 38 दिया गया था, बुक का कोड 43 दिया गया था। तो आपको यहाँ पे जो है वो चेक करना है कि जी कौन से नंबर पे आता है, ओ कौन से नंबर पे, एल कौन से नंबर पे और डी कौन से नंबर पे। बस आपको सभी को ऐड कर देना और आपका आंसर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर गोल्ड की बात करें तो सबसे पहले जी जो है वो कौन से नंबर पे आता है, जी आता है 7th नंबर पे। उसके बाद ओ 15 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद एल जो है ये आपके 12 नंबर पे आता है और डी जो है वो 4 नंबर पे आता है। सबको ऐड करेंगे 38 आ रहा है। वैसे बुक्स के कोड को भी ऐड करेंगे तो आपके पास 43 आएगा। अब लॉइन, तो एल जो है वो अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जो है वो एल जो है वो आपके पास आता है 12 नंबर पे। आई जो है वो 9th पे आता है, ओ आपके 15 पे आता है और एल आपके 14 पे आता है। सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास राइट आंसर यहाँ पे बनेगा 50। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक कोडिंग रिलेटेड कुछ ऐसा दिया गया था। तो इसमें आपके पास जैसे 60 और 40 दिया गया, तो आप इन फर्स्ट फर्स्ट लेटर को सिंपली ऐड करेंगे। तो 6 और 4 कितना आएगा आपके पास, 6 और 4 आपके पास आ जाएगा 10। तो ये बन रहा है। देन 4 एंड 2 आपके पास 6 आता है, 6 एंड 9, 6 एंड 9 आपके पास कितना आता है, 15 आता है। और 4 और 3, 4 और 3 कितने बनते हैं, 7 बनते हैं। तो सिंपली ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट, यहाँ पे सीक्वेंस दी गई थी 4, 10, 22, 46 और 94। 4 उसके बाद 10 था, फिर आपके पास था 22, देन आपके पास था 46 और उसके बाद था आपके पास 94 और गैप। यहाँ पे सिंपली गैप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या मल्टीप्लाई का भी पैटर्न आप लगा सकते हैं। 4 का डबल किया 8 और 8 में 2 जमा कर दिए 10, 10 का डबल किया 10 का डबल 20, 20 में 2 ऐड किए 22, 22 का डबल किया 44 और 44 में 2 ऐड किए 46, 46 का डबल किया तो आपके पास कितना आएगा 92 और 92 में 2 ऐड किए तो 94, 94 का डबल करेंगे और प्लस के 2 करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 190, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपके पास दिया गया था। गैप मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पे दिया गया था के सी डी, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो आपके पास 84th क्वेश्चन था, यहाँ पे के सी डी दिया गया था। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रही है, के फिर L, फिर M, फिर N और लास्ट आएगा O। तो O वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो यही इसका राइट आंसर था। अगर बाकी अगर आपको चेक करने हो तो CD, फिर EF, GH, IJ, तो अगला आएगा K और L, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक यहाँ पे मिसिंग नंबर के चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो डाला गया था। एक टेबल की फॉर्म में आपको दिया गया था। अगर मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में अगर बनाऊँ तो आपका टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसको छोटा साइज में अगर इसको मैं छोटा करूं, यहाँ पे दिया गया था 86, यहाँ पे था 72, यहाँ पे था 36, यहाँ पे 480 और 510, यहाँ पे था खाली था गैप था, यहाँ पे 38, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 12। तो सिंपल आपको क्या चीज़ यहाँ पे करनी थी, सिंपल आपको मेथड जो है वो यहाँ पे यूज करना था और किस मेथड से आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो आप क्या करेंगे, 86 में से, इस 86 में से 38 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 48 और एक जीरो आप ऐड कर देंगे तो 448। फिर 72 में से 21 जब आपके चले गए तो आपके पास बचा 51, जीरो ऐड कर देंगे तो आपके पास 510 आ गया। 36 में से 12 जब आपके चले गए तो बचे कितने, 24, एक जीरो ऐड कर दी तो 240। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें एनालॉजी बेस्ड ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया था। सार्थक को निर्थक कहा गया, अपोजिट सेंस में कहा गया, तो नम्रता को क्या कहा जाएगा, तो नम्रता यानी कि बिल्कुल प्यार से, और दूसरी यहाँ पे जो इसकी बिल्कुल अपोजिट होगा वो आएगा घमंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास दिया गया था।
72 को कंपेयर किया गया था 53 से, तो यहाँ पे आप सिंपली गैप चेक कर सकते हैं, 19 का गैप आएगा और यहाँ पे 63 और किसके बीच 19 का गैप आ रहा है, तो 63 में आप 19 जो है वो सिंपल आप ऐड कर दो, 9 और 3 12, एक 6 7 और एक 8 82, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर आएगा, यानी कि अगर यहाँ पे 82 होता तो इसका गैप जो है वो 19 बनना था। तो सिंपल इस आप मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, पंजाब को भांगड़ा कहा गया क्योंकि पंजाब में भांगड़ा प्रसिद्ध है, तो गुजरात में कौन सा चीज़ है, तो वो है गरबा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है वो देखिए फिर से वही बात अथॉरिटी के द्वारा जो है वो की गई है, क्योंकि कहीं पे 4 ऑप्शन कहीं पे 5 ऑप्शन दे दिए गए, अगर इनसे पेपर सेट नहीं होता तो इनको बताना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा एजेंसी हिमाचल्स में है, आप HPSSC को दे सकते हैं, PSC को दे सकते हैं, अगर फिर भी नहीं है तो आप हमारे पास दे सकते हैं, हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में पेपर सेट कर सकते हैं, ना तो इनकी प्रॉपर कोई सीक्वेंस बन रही है, क्वेश्चन नंबरिंग की एक तो सीक्वेंस नहीं है, उसके साथ ना तो इन्होंने बाइलिंगुअल वो चीज़ की है, और मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो हैं, उसके साथ कहीं पे 4 ऑप्शन कहीं पे 5 ऑप्शन, तो ये चीज़ थोड़ी सी अथॉरिटी को जो है वो देखनी चाहिए। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें जो ओडबन आउट आपको फाइंड आउट करना था, ईटानगर, कोहिमा, अगरतला और आइजोली ये सारी राजधानियाँ हैं, लेकिन असम जो है वो एक क्या है, वो एक स्टेट है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको जो है वो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो इसमें दिया गया था कि पृथ्वीराज का पुत्र जो है वो कलराज है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये आ गया यहाँ पे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज का जो बेटा है वो है कलराज, ठीक है, वो क्या है, कलराज है, लड़का है, इसलिए पॉजिटिव लगाएंगे। और जो त्रिशला का पति है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये आ गया यहाँ पे त्रिशला, त्रिशला जो है वो एक फीमेल है, ये आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आएगा त्रिशला की माता जो है वो कात्यायनी है, ठीक है, त्रिशला की मम्मी जो है वो क्या है, कात्यायनी है, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा कात्यायनी। जो कटप्पा की एकमात्र बहू है, ये जो है वो क्या है, कटप्पा की एकमात्र बहू है, यानी कि कटप्पा का एक ही बेटा है, तभी तो ये बहू हुई ना, तो उसका उसका जो बेटा है वो कौन है, यशराज है, उसका जो बेटा है वो कौन है, यशराज है, और यशराज और कात्यायनी ये आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। अब आपसे पूछा गया है कि कटप्पा का पुत्र यशराज और पृथ्वीराज आपस में किस तरीके से संबंधित हैं, यानी कि ये पृथ्वीराज, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये पृथ्वीराज की बात की गई है यहाँ पे, ये है पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज के साथ साथ यशराज, ये आपस में किस तरीके से जो है वो मिले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप अपने आप को मान के चलिए कि ये जो व्यक्ति हैं वो आपके पापा हैं, ठीक है, ये पापा के पापा, यानी कि ये आपके क्या लगे, दादा लगे, ठीक है, मैं ऐसे इमेजिन करके बता रहा हूँ, आप जस्ट ऐसे मान के चलें कि आप जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये आप इनके बेटे हैं, ऐसे जस्ट इमेजिन आप करके चलें, ये आपके पापा हैं और पापा के पापा आपके क्या लगे, दादा, ये दादा का लड़का यानी कि आपके पापा, ये पापा की वाइफ यानी आपकी क्या लगी, मम्मी लगी, ठीक है, फिर मम्मी के मम्मी आपकी क्या लगी, नानी लगी, ठीक है, और नानी के हस्बैंड आपके क्या लगे, नाना लगे। तो आपको बोला गया है कि इस दादा और नाना में आपस में क्या रिलेशन है, यानी कि हमारे जो दादा और नाना है वो आपस में क्या लगे, तो वो आपस में समधी लगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक शेर हिरण का शिकार करने के लिए 20 मीटर पूरब की ओर चला गया। देखिए फिर से वही प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये जो है उसमें ज़्यादातर यहाँ पे उनको क्या है, मुश्किल होती है, अगर क्वेश्चन उनको आता भी है तब भी वो यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि गलत करके आए, तो अथॉरिटी को थोड़ा सा देखना चाहिए कि एटलीस्ट लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसी चीज़ें, तो ऐसी अगर क्वेश्चन बायलैंगुअल नहीं करना है, अगर शीट प्रिंटिंग कॉस्ट अगर आपको ज़्यादा नहीं बनानी है, तो फिर आप एटलीस्ट क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे तो वो लिख ही सकते हैं ना, यहाँ पे तो वो लिख ही सकते हैं कि हाँ पूर्व को क्या कहा जाता है, पूर्व को ईस्ट कहा जाता है, ठीक है, हाँ लेफ्ट को क्या कहते हैं, लेफ्ट को जो है वो यहाँ पे बाएं कहते हैं, तो इतनी सी चीज़ तो वो अथॉरिटी लिख ही सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को भी यहाँ पे गलत लगी। तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं इसको, तो 20 मीटर पूर्व की तरफ गया, ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 20 मीटर पूर्व की तरफ गया, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा यानी कि राइट साइड मुड़ा ये 10 मीटर, फिर से वो राइट साइड मुड़ा, फिर से इस डायरेक्शन में मुड़ा, और फिर से वो बाईं ओर मुड़ा, फिर से वो लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड मुड़ा और 5 मीटर गया, फिर से वो बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, लास्ट में फिर से लेफ्ट साइड मुड़ा, और उसके बाद फिर से लेफ्ट साइड मुड़ा,
तो यानी कि अब कहाँ जा रहा है, ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, स्कूल पहुंचने के लिए एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर बाएं घूमकर 1 किलोमीटर चलता है और दाएं घूमकर 1.5 किलोमीटर जाता है। फिर से उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सो इसको अब हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले एक जो लड़का है वो स्कूल पहुंचने के लिए घर से 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से चला और कहाँ गया, 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया, ठीक है, 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया, फिर लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा और घूमकर 1 किलोमीटर गया, ठीक है, 1 किलोमीटर यहाँ पे चला गया। उसके बाद फिर राइट मुड़ा, दाएं मुड़ा और 1.5 किलोमीटर गया, यहाँ से यहाँ गया और 1.5 किलोमीटर वो गया। उसके बाद वो फिर राइट साइड मुड़ा और 1 किलोमीटर जाता है, यहाँ से 1 किलोमीटर वो जाता है और यहाँ पे वो खड़ा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे वो खड़ा हो गया। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका जो है वो एंडिंग पॉइंट। अब आपको स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको बताना है, घर से स्कूल की दूरी। तो 2 किलोमीटर ये है, ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल इस वाले के बिल्कुल इक्वल होगा, तो ये 1.5 है तो ये वाला भी 1.5 होगा, देन 2 एंड 1.5, ये आपके कितने बन जाएंगे, 3.5 बन जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक पजल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। 5 लड़के PQRST एक लाइन में खड़े हैं। देखिए जब भी पजल का क्वेश्चन आता है बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, एक एक पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखिए कहा गया PQRST, तो सबसे पहली इक्वेशन में कहा गया टी जो है वो पी और एस के बीच में, ठीक है, एक लाइन हम बना लेते हैं, यहाँ पे है हमारे पास पी और पी और एस के बीच में कौन है, टी है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, दो आप इसको वैल्यू को लेके चले, एस आपने पहले लिख दिया और पी आपने यहाँ पे लिख दिया और टी आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, पी और एस के बीच में कौन है, टी। नेक्स्ट लाइन में कहा गया कि एस के बिल्कुल लेफ्ट साइड कौन है, एस के बिल्कुल लेफ्ट साइड टी है, तो एस के बिल्कुल लेफ्ट साइड कौन है, टी है, ये वाली चीज तो वेरीफाई होगी। अब एस के यहाँ पे लेफ्ट साइड कोई भी नहीं है, एस के राइट साइड टी है, तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये एक जो है वो सीक्वेंस हमारी अभी तक सही चली है। उसके बाद क्या कहा गया कि आर एक कोने में बैठा है, अब आर यहाँ पे होगा, ठीक है, या फिर आर जो है वो यहाँ पे होगा। अगर आर को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे कौन होगा, फिर क्यू होगा, ठीक है। और दूसरी सीक्वेंस में अगर मैं आर को लास्ट में रखता हूँ, एक बार इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये पी आएगा, ये एस आएगा, अगर आर को मैं यहाँ रखता हूँ तो क्यू जो है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे दो हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज को हम साथ में लेके चलेंगे, ये वाली भी सही है, ये वाली भी सही है। नेक्स्ट बोला कि आर और टी के बीच एक लड़का जो है वो होना चाहिए, तो आर और टी, तो आर और टी के बीच हाँ एक ही लड़का एस है, यहाँ पे आर और टी के बीच कौन है, पी है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों अभी तक चीजें जो हैं वो सही। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेफ्ट साइड से बाएं ओर से पांचवा लड़का कौन है, तो लेफ्ट साइड ये वाली होती है, ठीक है, लेफ्ट साइड से पांचवा कौन है, तो आप इसको चेक करेंगे कि पांचवा कौन है, तो ये आएगा 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे आ रहा है क्यू, और यहाँ से अगर लेफ्ट साइड से अगर आप चेक करेंगे तो पांचवें नंबर पे आ रहा है आर। तो देखिए यहाँ पे क्यू और आर, क्यू ऑप्शन तो है, आर नहीं है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बनेगी। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन रही है वो यही बन रही है, आर, उसके बाद पी आएगा, फिर टी आएगा, फिर एस आएगा, फिर क्यू आएगा, ये सीक्वेंस हमारे पास बन रही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट वन है, पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन है, बिल्कुल मिड में कौन है, तो बिल्कुल मिड में कौन बैठा है, टी बैठा है, बिल्कुल मिड में कौन बैठा है, टी यहाँ पे जो है वो बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू के पड़ोसी कौन है, क्यू के पड़ोसी, तो देखिए क्यू का पड़ोसी कौन है, यहाँ पे एस है, ठीक है, यहाँ पे एस है, और अगर इसको किसी एक सर्कुलर शेप में अगर बिठा दिया जाए तो कहीं ना कहीं पे ये आर इसका पड़ोसी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें बताया गया कि एक लाइन में खड़े हैं, तो जब एक अगर लाइन में खड़े हैं तो फिर वो क्यू जो है वो सिर्फ एस एस का ही पड़ोसी हो सकता है, ठीक है, वो आर का पड़ोसी तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एस रहेगा, तो एस वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पंक्ति के छोरों पर कौन है, यानी कि एंड एंड पॉइंट पे कौन है, कॉर्नर पे कौन है, तो एक आर है और दूसरा कौन है, क्यू, आर और क्यू, तो आर और क्यू वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो ये आपकी एक सिंपल सी पजल जो थी वो पूछी गई थी, तो बिल्कुल आसान से इसको जो है वो आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, एक समूह में 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, सभी का वेट जो है वो अलग अलग है,
ए केवल बी से हल्का है, ठीक है, बी से हल्का कौन है, बी से हल्का कौन है, ए है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई। नेक्स्ट हमें यहां पे बताया गया था सी डी से हल्का है, यानी कि डी से हल्का कौन है, डी से हल्का कौन है, सी, डी से छोटा या फिर हल्का कौन है, सी है, ठीक है। नेक्स्ट है डी ए से हल्का, अब ए से हल्का कौन है, डी है, अब ए से हल्का कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो डी से हल्का कौन था, सी था, तो ये हमारा एक पैटर्न जो है वो बन जाएगा। अब बोला कि सबसे कम वजन किसका, तो सबसे लास्ट नंबर पे कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जिसमें सी दिया गया है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सड़क के किनारे कुछ पेड़ हैं और उनमें से नीम का पेड़ दोनों तरफ से गिनने पे सातवें नंबर पे आता है, यानी कि यहां से गिना तब भी नीम सातवें नंबर पे आ रहा है और जब यहां से गिना तब भी नीम सातवें नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब छह पेड़ यहां पे हैं और ये एक नीम का पेड़ है तो ये सातवें नंबर पे आया, इसको एक पेड़ में मान लेता हूं, छह पेड़ यहां पे हैं अगर दूसरी तरफ से गिरे तो सातवें नंबर पे ही आ रहा है, तो छह और एक सात, सात और छह कितने हो जाएंगे, टोटल 13 पेड़ हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में सिमता का स्थान ऊपर से 16 है और नीचे से जो है वो 29 में, देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो हो रही है, तो मैं इसको डायरेक्ट एक बार सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर अभी तक जितने भी मैंने YouTube से अगर थोड़ा बहुत मेरे को जो कंटेंट मिला उसमें जब मैंने इसको एक बार चेक किया, क्रॉस चेक किया, तो वहां पे इसका 55 आंसर जो है वो बताया जा रहा है, आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे इसका राइट आंसर जो है वो 50 रहेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया कि सिमता का स्थान ऊपर से 16 तथा नीचे से 29 में है, यानी कि 15 बच्चे ऊपर हैं और इस नंबर पे कौन बैठी है, इस नंबर पे बैठी है सिमता, तभी ये 16वें नंबर पे आई, और नीचे से 29वें स्थान पे है, यानी कि यहाँ पे टोटल 28 बच्चे बैठे हैं और यहाँ पे आ गई वो 29वें नंबर पे, तो 15 और 1 16 और 16 और 28 टोटल बच्चे आ जाएंगे, 6 6 12 13 14 यहाँ पे ऊपर एक जाएगा, 2 3 और 1 4, यानी कि टोटल बच्चे कितने आ गए, 44। अब बताया गया कि टोटल बच्चे जो हैं वो कितने हैं, हाँ टोटल बच्चे कितने हैं वो हैं यहाँ पे 44, ठीक है, जो कि क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये जो है वो 44 बच्चे यहाँ पे हुए, ठीक है, और 44 बच्चे यहाँ पे जब आए उसके बाद 6 बच्चों ने परीक्षा जो थी वो छोड़ दी थी, ठीक है, 6 बच्चों ने परीक्षा जो थी वो छोड़ दी थी, इसका मतलब है कि उन्होंने परीक्षा नहीं दी, उन्होंने परीक्षा नहीं दी, तो इसका मतलब है कि 6 और 44 कितने हो गए, यहाँ पे 50 हो गए, और 5 बच्चे जो थे वो अनुतीर्ण रहे, ठीक है, परीक्षा उन्होंने दी थी, तो 5 कितने आगे, 55 आगे, हाँ 55 इसका राइट आंसर आएगा, तो कहीं कहीं पे आपको 50 आंसर देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे जो है वो क्रॉस चेक जरूर करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 4 और 6 को 52 दिया गया है, तो 4 का स्क्वेयर करेंगे 6 का स्क्वेयर करेंगे ये 52 बन जाएगा, वैसे 5 का स्क्वेयर 25, 8 का स्क्वेयर 64, तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना बन रहा है, आप इसको ऐड कर लें, 25 और 64, ठीक है, ये बनेगा 9, तो 89 बन रहा है, 6 और 2 8, ठीक है, 89 ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हाँ ये आपके, हाँ बिल्कुल 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान लेवल की रीजनिंग पूछी गई थी, तो आई होप अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं वो आपके बिल्कुल सही हों, एक्यूरेट हों, और एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ऑल ओवर आपके 100 में से कितने मार्क्स जो हैं वो आपके यहाँ पे बन रहे हैं। जल्दी ही एक नई सेशन के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।